ऑल राइट तो हे गाइस, कैसे हो सारे? होप्सो होंगे फर्स्ट क्लास। गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके की रील्स एडिटिंग करना सिखाऊंगा। और गाइस इस वीडियो के अंदर ना बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग अमेजिंग रील्स एडिटिंग की वीडियो हम रोज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। और गाइस आप लोगों को अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों के पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक 9 सेकेंड की वीडियोज़ दे दूंगा, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउनलोड करके ऐड कर लेना है यहाँ पर, ठीक है? तो ऐड करने के बाद गाइस आप लोगों को जस्ट 4 सेकेंड पर आना है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। मैं 4 सेकंड पे आ गया हूँ, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पे, ठीक है? आने के बाद गाइज आप लोगों को अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना, ठीक? क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस वाले क्लिप को यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है? तो डिलीट करने के बाद गाइज एक ब्लैक कलर का हमारा बैकग्राउंड भी मिल जाता है, तो इसको भी हम सिंपली डिलीट कर देते हैं। देन इतना करने के बाद अब हम जो इसका ऑडियो है वो यहाँ से ऑफ कर देंगे। एंड ऑफ करने के बाद गाइज यहाँ पे व्हाइट कलर का एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड करने के बाद गाइज आप लोग अपने गैलरी के अंदर एंटर हो जाओगे। यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन पे चलना है। एंड गाइज आप लोगों को अपने 2 फोटोज ऐड कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 2 फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एंड करने के बाद गाइज अगर आप लोगों का जो ऑडियो है वो अगर 10 सेकेंड से ऊपर का है तो आप लोग और भी फोटोज ऐड कर सकते हो। जो मेरा साउंड है ना वो सिर्फ 9 सेकेंड का, इसलिए मैंने 2 फोटो यहाँ पे ऐड किया है। बट कोई नहीं, आप लोग अपने हिसाब से ज़्यादातर सेट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप लोगों को और ज़्यादा फोटो ऐड करना हो तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करेंगे एंड दोनों फिंगर से पकड़ के कुछ इस तरीके से इसको जूम करेंगे तो ये हमारा फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, ओके? एंड अब हमारा दोनों फोटो बिल्कुल परफेक्ट हमने फुल स्क्रीन पे शेप कर लिया है। एंड गाइज अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो एरो का ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो पर क्लिक करके साउंड पर हम चले जाएंगे। एंड जाने के बाद इस फाइल वाले लोगो पर क्लिक करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर चले जाएंगे। जाने के बाद गाइज आप लोगों को मैं साउंड दे दूंगा, ठीक है? वही वाला जो वीडियो क्लिप ऐड करोगे ना उस पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से इनपुट साउंड ओनली पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो ऑडियो है वो आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो उसका साउंड यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है बिल्कुल सही तरीके से। और यहाँ तक जहाँ तक हमारा साउंड है वहाँ तक हम इस फोटो को रखेंगे, बाकी हम स्प्लिट कर देंगे, ओके? देन इतना करने के बाद गाइज अब हमें म्यूजिक वाले लेयर पर क्लिक करना है। देन यहाँ से मैच कट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड जाने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से मैं बीट लगा रहा हूँ उस तरीके से आप लोगों को बीट को लगाना है, ठीक है? और अगर आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप लोगों की जो साउंड है वो अगर 10 सेकंड से ऊपर की है तो आप लोग और फोटो ऐड करोगे तो और भी आगे बीट लगाना पड़ेगा, तो सुन सुन के लगा सकते हो। तो देख सकते हो पहला बीट है हमारा 4 सेकंड में और दूसरा बीट है हमारा 6 सेकंड पे, ठीक है? बिल्कुल सही है। एंड इतना करने के बाद यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे, नीचे देख सकते हो डन पे क्लिक करेंगे एंड जो पहला बीट है गाइज हमारा ना वो बिल्कुल परफेक्ट सेट है, वहाँ हमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो सेकेंड बीट है इस डंडी को हमें बिल्कुल सेकंड बीट पे इसको कुछ इस तरीके से ला के यहाँ पे जो पहला वाला फोटो है ना इसको हमें सेट करना है इसके लास्ट में, ठीक है? यहाँ पे एंड इतना करने के बाद गाइज जो हमारा जो लास्ट में जो बच जाता है साउंड उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहो तो और आगे तक ले जा सकते हो, लेकिन जहाँ तक हमारा साउंड है वहाँ तक हम रखेंगे। इतना करने के बाद गाइज हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए हमको फर्स्ट फोटो वाले लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर एनिमेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना, देन कॉम्बो पे क्लिक कर देना, ठीक है? और यहाँ पर गाइज आप लोगों को काफ़ी सारे एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे, जो चाहो आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रॉक्ट राइट वाला एक एनिमेशन है, इसकी ड्यूरेशन हम कम करके यहाँ पे देख सकते हो सेट किया तो उतना खास नहीं लग रहा है। और भी जैसे ये वाला आप लोग वोवेल वाला एनिमेशन अप्लाई करोगे तो इसकी ड्यूरेशन फुल कर देना, तो ये वाला एनिमेशन काफ़ी कमाल का लग रहा है तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ। एंड सेकेंड फोटो पर भी क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर भी वही वाला वोवेल वाला जो हमारा एनिमेशन है ना उसको अप्लाई करते हैं। तो कहाँ गया ये, यहाँ पे रहा हमारा वोवेल, ठीक है? तो वोवेल वाला अप्लाई करने के बाद इसकी भी गाइज जो यहाँ पे नाम भी पढ़ सकते हो, ठीक है? और इसकी भी जो ड्यूरेशन है वो आप लोग यहाँ से फुल रखना, ओके? देन इतना करने के बाद डन कर देना। और गाइज अब जो है ना हमारी वीडियो जो है
कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। और गाइज आप लोगों को मैं एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, लेकिन गाइज इसके लिए सॉरी कि मैं आप लोगों को साउंड नहीं सुना सकता क्योंकि इस वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है। बाकी आप लोग वीडियो देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बन चुकी है। और गाइज अगर आप लोग खुद से बनाओगे तो और भी ज़्यादा क्रिएटिव बन जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होगे, और जल्दी से गाइज इस वीडियो को बनाओ और अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, ठीक है। तो अगर इसको सेव करना है आप लोगों को तो ऊपर की तरफ देख सकते हो कि एरो का एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो गाइज ये वीडियो ना आप लोगों की गैलरी के अंदर हो जाएगी सेव। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।